केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किसान बिलों का किया जा रहा विरोध गलत बताया। मंत्री चौधरी ने कहा कि किसान बिलों से आने वाले दिनों में किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। देश पूरे में इन बिलों की सराहना की जा रही है। पूरे देश के अंदर इन बिलों की सराहना की जा रही है। पूरे देश में किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण बिल बने हैं और इससे किसान को आज़ादी मिली है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इन बिलों के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनेगा और किसान समृद्ध होगा। इसके अंदर ये नियम है कि वो राज्य सरकार जो भी है उसके लिए अपनी रिपोर्ट भेजे। राज्य सरकार किसानों के क्लेम की रिपोर्ट भारत सरकार को भेजेगी तो निश्चित रूप से जो भी राज्य सरकार की गिरदावरी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भारत सरकार किसानों को क्लेम देगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर आज से 2 साल पहले जो सरकार आई उसने वादे किए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और हम 10 घंटा लाइट देंगे, लेकिन राजस्थान की जनता अब त्रस्त है और राजस्थान की जो जनता है वो सड़कों पर है, किसान सड़क के ऊपर है, लाइट की वजह से राजस्थान के अंदर और अन्य विषयों को लेकर परेशान है।